शामिल विषयों को सीट से छह बार रहे विधायक। एमपी में भी बीजेपी करने वाली है बड़े बदलाव, दो दिन में शाह से दूसरी बार मिले सीएम शिवराज। दिल्ली में वैक्सीन लगवाने वालों के लिए बड़ी राहत, सोमवार से शुरू होगा कोविशील्ड की पहली डोज देने का काम। पटना में सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का अभियान तेज, बिजली चोरी में 1 करोड़ रुपए हुआ जुर्माना। मोदी के मंत्री ने असम मिजोरम सीमा विवाद को बताया पुराना मामला, सीएम शर्मा के खिलाफ एफआईआर पर बोले ये सामान्य बात है। स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में, मैं हूं आपके साथ वर्षा। खबर है उत्तर प्रदेश के एटा से, जहां अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक शैफी ने दिया बड़ा बयान, कहा काम बोलता है, फिर मीडिया के सवाल पर बोले सबका साथ सबका विकास। ये नारा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का है कि काम बोलता है। अशफाक शैफी ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जमकर तारीफ की, मदरसा बोर्ड का फंड बढ़ाने और मुस्लिम छात्रों की तालीम की बेहतरी को लेकर जमकर प्रशंसा की। अशफाक शैफी ने कहा कि अगर डॉक्टर इंजीनियर आईपीएस बनना है तो शिक्षा जरूरी है। अशफाक शैफी ने अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण की योजनाओं को लेकर बैठक और समीक्षा की। देखिए ऐसा है कि काम बोलता है जी, आजकल कोई किसी का साथ नहीं है जो उनके विकास की बात करेगा, जो उनकी शिक्षा की बात करेगा, वो उनके साथ जाएंगे। ये काम बोलता है तो नारा अखिलेश का था, काम भैया सबका साथ सबका विकास जी, जो नारा है जी, तो काम आपको दिख रहा है। अल्पसंख्यकों के समाज के लिए जो काम सरकार हमारी कर रही है वो अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया। आप चाहे आप देख लीजिए, मदरसों के तालीम के लिए हमारे यहाँ लगातार काम हो रहे हैं, बच्चियों के अनुदान, जो गरीब बच्चियों के अनुदान शादी अनुदान के लिए किया जा रहा है, और आपके अनेक हमारी टर्म लोन योजना है सरकार द्वारा चलाई जा रही है, और न्याय सभी को मिलेगा, तुष्टिकरण किसी का नहीं। खबर है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से, जहां ब्रजमनगंज रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस गाड़ियों के ठहराव और रेलवे स्टेशन पर खराब शौचालय पेयजल की व्यवस्था ठीक कराए जाने को लेकर पूर्व प्रधान संघ के अध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह की अगुवाई में शनिवार को रेलवे स्टेशन पर महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें ब्रजमनगंज नगर के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने राघवेंद्र सिंह द्वारा की गई मांगों का समर्थन किया। वहीं आरक्षण केंद्र न होने से रेलवे प्रशासन को इस बात का पता ही नहीं चल पाता है कि यहां से कितने यात्री मुंबई, दिल्ली, लखनऊ या अन्य प्रदेशों में यात्रा करते हैं। इस दौरान रेलवे प्रशासन व रेलवे पुलिस भारी संख्या में मौजूद रही। आज हम लोग का मांगे है कि जैसे बिजनौर रेलवे स्टेशन हम लोग का 30 के जमाने से लगभग 250 वर्ष पुराना रेलवे स्टेशन है, और इस पे महत्वपूर्ण दो ट्रेनें चलती हैं, इंटरसिटी और गोमती, इन दोनों ट्रेनों का ठहराव नहीं है। आज विशेष रूप से हम लोगों की मांग ये है कि ये ट्रेन दोनों का ठहराव, गोमती का और इंटरसिटी का होना चाहिए। उसके फायदे हैं जैसे बिजनौर शहर हम लोग का, बिजनौर रेलवे स्टेशन चार चार जनपद को जोड़ने का काम करता है, सिद्धार्थनगर, बस्ती, खलीलाबाद, गोरखपुर, और अंतर्राष्ट्रीय जो बॉर्डर है हम लोग का सनौली, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, यहाँ से 12 किलोमीटर दूर आपका हरिवंशपुर कोठरी बॉर्डर है, और बगल में ही बुद्ध की नगरी है सिद्धार्थनगर, तो यहाँ से भी लोग लुम्बिनी तक जाते हैं, लुम्बिनी से लोग आते हैं। तो अगर ये मांग हम लोगों की पूरी होती है, इंटरसिटी और गोमती का ठहराव होता है, तो रेलवे का भी बहुत अच्छा आय होगा, और हमारे यहाँ के लोग व्यवसाय भी बहुत ठीक तरीके से करेंगे, और जो भी स्टूडेंट गोरखपुर विश्वविद्यालय और सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय को पढ़ने जाते हैं तो यहाँ से बहुत आराम से सुबह जाएंगे और पढ़ करके शाम तक अपने घर पे लौटेंगे। ये हम लोगों की प्रमुख मांगे थी। एक मांगे है कि यहाँ पे एक आरक्षण केंद्र की व्यवस्था हो, जिससे आरक्षण कराने के लिए, रिजर्वेशन कराने के लिए यहाँ के यात्रियों को सिद्धार्थनगर और फलंदा तक न जाना पड़े, और यहाँ पे स्टेशन पे पेयजल और शौचालय की शानदार व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के बगल में एक सीएससी है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पे मरीज तमाम प्रकार के आते हैं और स्टेशन से होकर के गुजरते हैं, तो ट्रेन का ठहराव यहाँ पे बहुत जरूरी है। ये हम लोगों की याद प्रमुख मांगे। खबर है उत्तर प्रदेश के एटा से, जहाँ पुल से नहर में कूदी महिला की तलाश में जुटे गोताखोर। नहर में कूदी महिला का नाम सुधा यादव, पत्नी मनोज कुमार निवासी खड़िया थाना, पर की बीमारी से तंग आकर बेटी ने नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक महिला की उम्र 23 वर्ष है, करीब 2 महीने से अपने मायके आई थी। राम उमरायपुर निवासी मृतक महिला के पिता पिछले 3-4 साल से कैंसर से पीड़ित हैं। पिता की बीमारी से परेशान होकर बेटी ने आत्महत्या कर ली। इंस्पेक्टर राजीव कुमार पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। सबकी तलाश में जुटे हैं गोताखोर व ग्रामीण पुलिस।
खबर है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद जनपद के नाथी थाना क्षेत्र राजपुर कोटला में बिजली विभाग की लापरवाही ने 15 साल के नाबालिग युवक को किया घायल। बताया जा रहा है 15 वर्षीय विशाल पुत्र नरेंद्र पाल सिंह ग्राम पंचायत राजपुर कोटला अपने घर से अपने घेर पर आ रहा था और रास्ते में पानी भरा हुआ था। रास्ते में आते ही पानी में जैसे ही पैर दिया करंट लगने से बुरी तरह घायल हो गया। आनन फानन में लोगों ने आकर के उसको उठाया और उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया। हालत गंभीर बताई जा रही है। ग्राम पंचायत राजपुर कोटला में बिजली के करंट से एक नाबालिग हुआ गंभीर। मेरा बच्चा ये करीब 15-16 साल का, ये घर से ट्रांसफार्म के पास पानी भर रहा है, वहाँ कर आ रहा था ये, तो ये उसमें करंट उतर आया ट्रांसफार्म में होके पानी में, वहाँ पर ये अचेत हो गया करंट लगने से। अच्छा, कैसी हालत है इसकी? अभी तो गंभीर है हालत। यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा सांसद से अपेक्षा है कि वे जनता की उम्मीदों पर खरे उतरें, मगर उन्हीं के सांसद अपने ही प्रधानमंत्री की मंशा पर पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यही वजह है कि जलमग्न सड़क के निर्माण को लेकर गांव के युवाओं ने विरोध प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार कर लिया। स्थानीय निवासी लापता सांसद की तलाश में जुटे हैं। आपको बताते चले, मामला आगरा की तहसील कीरावली के गांव मलेशिया का है, जहां फतेहपुर सीकरी से भाजपा सांसद और भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर के जिम्मे है। इस क्षेत्र का विकास मशेलिया गांव के लोगों का दर्द है कि जीतने के बाद से सांसद ने पलट कर भी नहीं देखा है। हैरानी वाली बात तो ये है कि विकास की राह देख रहा ये पूरा गांव उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह के विधानसभा क्षेत्र में आता, बावजूद ये गांव सांसद और राज्य मंत्री की अनदेखी का शिकार हो रहा है। ग्रामीणों ने सड़क न बनने की स्थिति में सांसद राज्य मंत्री की नींद हराने का ऐलान कर रखा है। ये हमारी सड़क खराब है, 10 साल से बनी नहीं है और बरसात के टाइम में 3 महीने के लिए रास्ता भी बंद हो जाता है, पर यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपके यहाँ सांसद विधायक हैं, आपने कोई शिकायत की सरकारी डिपार्टमेंट में किसी ने शिकायत की? हाँ, सांसद जी से भी शिकायत की है, विधायक जी से भी शिकायत की है, पर उनके कान पर बिल्कुल चू तक नहीं जा रही। आपने सांसद विधायक के लापता होने के पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया है, क्या दौरा नहीं करते सांसद विधायक? मतलब ये यहाँ पर बिल्कुल नहीं आते हैं, वोट पड़ती हैं जब ही आते हैं वोट के लिए आते हैं, वैसे बिल्कुल नहीं आते हैं, काम कहीं कोई नहीं करा रहा है। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो क्या रणनीति रहेगी आगे की? आगे फिर यहाँ से आगे फिर हम धरना प्रदर्शन करेंगे, आगे भी जाएंगे जब हमारी सुनवाई नहीं होती है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।